को पता है इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों पे प्रहार हो रहा है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी नहीं समूचा विपक्ष समूचा देश इस बात को कह भी रहा है और वो दिख भी रहा है। जब से आदरणीय मोदी जी दिल्ली की सत्ता में आए हैं वो लोकतंत्र को रोजाना किसी न किसी प्रकार से क्षति पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र संवाद से मजबूत होता है, प्रश्नों से मजबूत होता है, विचारों से आदान प्रदान से मजबूत होता है और यही लोकतंत्र है। एक पक्ष एक विपक्ष, तो अगर आप प्रश्न कर दे रहे हैं सरकार से सत्ता से तो वो सरकार को गंवारा नहीं हो रहा है, और जो भी प्रश्न कर रहा है चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे मीडिया के लोग हों चाहे सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हों चाहे नौजवान हो या किसान हो, जो भी प्रश्न कर दे रहा है इस सरकार से असहमति व्यक्त कर दे रहा है, इस सरकार से असंबद्ध हो जा रहा है, इस सरकार के नीतियों के विरुद्ध हो जा रहा है और सवाल कर दे रहा है या विपक्ष में खड़ा हो जा रहा है, तो उसकी बात सुनने के बजाय उसे तुरंत, आप देखें पिछले कई वर्षों का, तुरंत उसे कहा जाता है कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये चीनी है, ये नक्सल है, तमाम ये गद्दार है, ये राष्ट्र विरोधी है। चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे दिल्ली में किसानों ने जितने दिनों तक धरना दिए थे, देखिए कई कई मिनिस्टरों ने उन किसानों को क्या क्या कह के नहीं नवाजा। तो ये लोकतंत्र में जो असहमत है उसे आप इस तरह के आरोप लगा करके लोकतंत्र की मूल जड़ को कमज़ोर कर रहे हैं। और अब तो आदरणीय मोदी जी और उनकी सरकार ने तो अति कर दी है, इंतहा कर दी है। जब ये सरकार बनी थी दिल्ली में मोदी साहब की, आप सब लोगों को स्मरण होगा, कुछ ही दिनों बाद आदरणीय आडवाणी जी ने कहा था कि तो इमरजेंसी से भी बदतर स्थिति होगी, कुछ इसी टाइप का बयान था उनका। आप लोकतंत्र को तो कुचल ही रहे हैं, भ्रष्टाचार को, इस देश की संपदा को लूट रहे हैं और लूटने वाले को संरक्षण दे रहे हैं। स्पेसिफिक तरीके से हिंदुस्तान में तमाम लोगों ने, देश के बाहर तमाम लोगों ने, विथ प्रूफ, जो सरकारी एविडेंस के डॉक्यूमेंट होते हैं उसके साक्ष्यों के साथ, और राहुल जी ने सदन के बाहर और सदन के अंदर एकदम स्पष्ट प्रश्न उठाए, सवाल किए, भारी भ्रष्टाचार और भारी अनियमितता को लेकर के कि किस तरह से केंद्र की सरकार अपने एक मित्र के लिए सारे नियमों कानूनों को परिवर्तित करके उसे धता बता करके देश की संपदा धन संपत्ति उसको उसके हवाले कर रही है, नियमों को बदल दे रही है, किस तरह से दुनिया भर से कहां कहां से किस रूट से पैसे आ रहे हैं। और जिस चुनी हुई सरकार का यह धर्म और कर्तव्य बनता है कि इस तरह के जो भी ऑथेंटिक जानकारियां पब्लिक डोमेन में आ रही हैं या किसी फोरम पे उठाया जा रहा है या कहीं से भी जानकारी सरकार तक पहुंच रही है, उसकी जांच कराना इस सरकार का संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी होती है। लेकिन वो जांच न करा करके ये सरकार उस चोर की जांच न करा करके उस चोर की चौकीदारी कर रही है, गजब विडंबना है। सरकार ही जो इस देश की धन संपदा चुरा रहा है उस चोर की चौकीदारी कर रही है। राहुल जी बात सदन में उठाते हैं, उनके माइक को म्यूट कर दिया जाता है, सदन में पूरी बात रखते हैं साक्ष्यों के साथ सबूतों के साथ, स्पेसिफिक बात उठाते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, अडानी जी का नाम लेकर के
किन किन सेल कंपनियों से कहां कहां के किस हेवन कंट्री से किस तरह से रूट होकर के पैसा आया है वो कार्रवाई से निकाल दिया जाता है, स्पंज कर दिया जाता है। एक उनका मित्र संविधान से बड़ा हो गया, इस देश में देश से बड़ा हो गया है। जिस दिन एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, उस दिन बीजेपी के लोग, अडानी साहब और तमाम और साहब लोग ये बयान दे रहे थे कि ये देश पे हमला है। अरे एक चोर ने चोरी किया, उसकी चोरी पकड़ी गई और आपका वो देश होगा भाई भाजपाइयों? ये देश 140 करोड़ लोगों का है, जिसको चुन के भेजा, जिसे भी चुन के भेजती है जनता, एक कार्यकाल के लिए भेजती है कि आप बेहतर हमारे लिए प्रशासन दीजिए, इसलिए नहीं चुन के भेजती है कि आप उसके जागीरदार हो गए हैं और आप देश की संपदा लूट के खा जाइए और लूटने वालों की सुरक्षा करिए। तो ये जो स्थिति आ गई है इस देश में कि लूटने वाले के साथ, देश की संपदा को लूटने वाले के साथ, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ पूरी सरकार खड़ी है। आज आप सारे लोग, रोजाना आप सब लोग उसी मीडिया के साथी हैं, अडानी को डिफेंड कौन करता है टीवी पे? बीजेपी का प्रवक्ता। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।